सब ऐसे ही हम जैसे मैं भोर में कह रहा था, भगवान बोलो भगवती बोलो, सब नाम रूप स्वरूप ये सारा जगत प्रभु रूप ही है। इसलिए हम उसको भगवान बोले, भगवती बोले, आद्य शक्ति बोले, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकम रूपम सद्विप्राह, एक ही सत्य, एकम सत्य, एक ही सत्य है। और उस सत्य की अनुभूति हमारे बीच में, हमारे भीतर ऐसी हो जाए, हमारे रोम रोम में पूरे अस्तित्व में, कि हम भगवान के नाम रूप स्वरूप में, भगवान के अस्तित्व में, ये ना तो संन्यास की बात है, ना ये मात्र कोई शास्त्र की बात है, ना कोई एक धर्म विशेष की बात है। जीवन की पूर्णता इसमें है। जैसे कल भोर में मैं कनखन में भी कह रहा था कि हमारी एक गौण पहचान है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये हमारी तात्कालिक क्षणिक और एक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए, या ये हमारी क्षणिक पहचान है। जिन महापुरुषों को पूर्व जन्म का बोध होता है, पता लगता है कि पूर्व जन्म में कोई स्त्री था, हुआ पुरुष बन गया, पहले कोई पुरुष था अब स्त्री बन गया, इससे क्या, तो शरीर का
जो भी निर्वहन है ये तो भगवान के विधान के अनुरूप है। माने जिस भी शरीर में, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय में, शूद्र के रूप में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में, किसी भी देश में, किसी भी कालखंड में हमें भगवान ने पैदा किया, तो ये भगवान की भगवत व्यवस्था है, भगवान का विधान है, उसकी कर्म फल व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, अनादिकाल से चला रहा एक शाश्वत प्रवाह है और अनंत काल तक चलते रहने वाला एक सनातन प्रवाह है जीवन का। तो इस बात को मैं अक्सर रोज कहता हूं कि हमारा अपना आत्म स्वरूप हमसे विस्मृत ना हो, जो हमारी मूल पहचान है, जो हमारा मूल धर्म है, जो हमारा प्रधान धर्म है। दो बातें, हमारा मूल धर्म और हमारा प्रधान धर्म, हमारी प्रधान पहचान, हमारा प्रधान अस्तित्व व्यक्तित्व, वो हमारा आत्म धर्म है, वो हमारा सनातन धर्म है, वो हमारा भागवत धर्म है, वो हमारा भगवती धर्म है। तो हम ऐसे माँ भगवती की, भगवान की आराधना करते हुए ऐसे अपने जीवन में इस सत्य को उपलब्ध हो जाए कि हम अपने क्षणिक धर्मों से, क्षणिक उत्तरदायित्वों से, तात्कालिक जो हमारे जीवन के स्वरूप हैं, इनका भी निर्वहन करना है। जब माँ के रूप में भगवान ने हमें पैदा कर दिया तो माँ का जो धर्म है उस मातृ धर्म का निर्वहन तो करना ही है। हमें जिस भी नाम रूप स्वरूप में प्रभु ने पैदा किया हुआ वो, लेकिन हमें बोध रहे कि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही अमृत के ही हम संतानें हैं, हम ऋषियों के ही संतानें हैं, और हमारा मूल धर्म और हमारा सनातन शाश्वत धर्म, हमारा कभी भी न मिटने वाला प्रधान धर्म हमारा, वो आत्म धर्म है, अध्यात्म धर्म है। और इस भागवत धर्म में जिनकी प्रतिष्ठा हो गई वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाएगी, वो शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप हो जाएगी। ऐसे आज हम संकल्प करें कि नवरात्र में माँ भगवती की आराधना उपासना उनकी नाना रूपों में स्वरूप होगी। ये पूरा मातृत्व या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण, शक्ति रूपेण, भक्ति रूपेण, शांति रूपेण, मुक्ति रूपेण, मति रूपेण, कृति रूपेण, समता रूपेण, ममता रूपेण, प्रकृति रूपेण, संस्कृति रूपेण, संस्थिता, सारे नाम रूप स्वरूप मेरे का। ये जब हम मातृ रूप में भगवान को कहते हैं तो हम एक वेद का एक ये तो उपलक्षण होते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम हेना पिता वसो त्वम माता, हम उसको भगवान बोले, भगवती बोले। अब हम जिस थॉट प्रोसेस से पढ़े, अब कुछ लोगों ने, अब उनको ये अनुभूति नहीं हुई या उस उनको उन्होंने सुना नहीं या उस प्रवेश नहीं किए, तो भगवान भगवान तो बोल देते हैं, भगवती नाम बोलते बोले भगवती कहाँ से आ गई, तो उनका भगवती तेरी माई है। और तो भगवान बोले, भगवती बोले, ये तो हम भगवान को पिता बोले, माँ बोले, तो ये जो मूल पहचान है हमारी, मूल धर्म है हमारा, शाश्वत धर्म है हमारा, प्रधान धर्म है हमारा, ऐसे भी शब्दों में बोल लो, एक हम सब पिता बहुत और फिर इसमें जैसे हमने कभी भी एक बार भी नहीं सोचा कि हमको माँ के रूप में क्यों नहीं पैदा किया, पुरुष के रूप में क्यों पैदा कर दिया, किसी पुरुष को ना ये सोचना चाहिए कि उसको ऐसे नहीं क्यों क्यों किया, किसी माँ को ये नहीं सोच रहे, जो हमें भगवान ने चोला दिया है
जो भी भगवान ने हमें जीवन दिया है, ना तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हम स्त्री रूप में हैं कि पुरुष रूप में, हम आत्मस्वरूप हैं बस। इसलिए हमारे साधु संत महात्मा संबोधन भी करते हैं, देखो आत्मस्वरूप भाई बहन, तो सब आत्मा बस, आत्मीय स्वजन, इसमें सब कुछ। अब ये भाव चेतना जिस दिन इस संसार की हो जाए, उस दिन तो संसार में तो दुख ही ना रहे, तो हम सार तत्व में इस आत्म धर्म से, अपने भागवत धर्म से, भगवान बोलो भगवती बोलो उनकी जो एक व्यवस्था है, इससे हम एक क्षण के लिए भी नीचे ना आए। और किसी भी कालखंड में अब किसी की आयु ज्यादा है किसी की कम है, इससे क्या फर्क है। यद्यपि जीवन के विकास की ये भी प्रक्रिया है, ये जीवन के जगत के विविध घटक आयाम प्रकृति के ही नाना रूप स्वरूप हैं, और इस जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए भगवान ने ये सारी व्यवस्था रचाई। तो जितने कम से कम हमारी पूज्य साध्वी बहने हैं, और हमारे जितने पूज्य सन्यासी भाई हैं, और जो भी गृहस्थ जन भी यहाँ पर आ जाए, सबको इस बात को अपने अंतर में गहरा बिठा लेना है कि चाहे किसी भी जाति में किसी भी कुलवंश में हम उत्पन्न हुए हैं, ये मैंने क्या बोला, ये हमारा गौण धर्म है, क्या है बोलो, और इसके बारे महिमा है 1%। यदि मैं उसको प्रतिशत में कहूं, जैसे कल भी मैंने एक बात कही थी कि जब हम अपना प्रधान धर्म निभाते हैं ना, गौण धर्म का 100% निर्वहन होता है। जैसे हम अपना आत्म धर्म, अपना जो भी संन्यास धर्म, अपना भागवत धर्म निभा रहे, तो गौण धर्म का तो निर्वहन हो ही जाएगा। ये बहुत बड़ा तत्व, प्रधान धर्म के निर्वहन करने से गौण धर्म का, मातृ धर्म का, पितृ धर्म का, परिवार धर्म का, समाज धर्म का, राष्ट्र धर्म का, सेवा धर्म का, ये जितने भी हमारे जीवन के धर्म और कर्म हैं, विविध आयाम हैं, प्रधान धर्म के निर्वहन से, आत्म धर्म के निर्वहन से भगवान के नाते हमें जीना है। तो जब हम अपने प्रधान धर्म का, भागवत धर्म का, अपने भगवती धर्म का निर्वहन करते हैं, तो गौण धर्मों का निर्वहन हो जाएगा 100%, और उस तरफ हमें ज्यादा सोचने विचारने की, उसमें तर्क वितर्क की या किसी भी प्रकार के प्रपंच की उसमें ना जरूरत होगी, और ना किसी प्रकार की उसमें कोई बाधा आएगी। लेकिन ये बात जरूर है, यदि केवल गौण धर्म निभाते रहे और प्रधान धर्म छूट गया, तो फिर जीवन के पूर्ण सत्य से वंचित रहेंगे। अब इसको अनेक शब्दों में, चाहे हम ये कहें कि जीवन का अभ्युदय क्या है, श्रेयस क्या है, चाहे ये कहें कि हमारे व्यवहारिक धर्म क्या है, हमारे पारमार्थिक धर्म क्या है, चाहे हम उसको पार्थिव धर्म, पारमार्थिक धर्म करके बोले, लौकिक पारलौकिक धर्म कह करके बोले, दृष्ट अदृष्ट अपने कर्तव्य बोले, मूर्त अमूर्त के प्रति, जड़ चेतन जीव जगत के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है जीवन कि, इन्हीं सत्यों को जिन्होंने जान लिया वो बुद्ध हो गए, वो महावीर हो गए, वो नानक हो गए, वो गौतम कणाद जन्मे पाणिनि पतंजलि हो गए, वो शिव हो गए, रामकृष्ण हो गए, हनुमान हो गए, वो विश्वारा लोपमुद्रा हो गए, वो गार्गी मैत्रेयी आदि जो भी अपने ऋषिकाएं हुई, वो ऋषि ऋषिकाएं हो गए, उन्होंने देवत्व को उपलब्ध। अब इस सत्य को हम जितना गहरा जी लें, फिर वही बात आती, एकम सद विप्रा बहुधा बन, अपने इस प्रधान धर्म में हम सदा जीते रहें,
किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता आ जाती है जीवन में, पर्वों से पूर्ण करते हैं, पूर्ण करने से पर्व है जो हमारे जीवन में पूर्णताएं प्रदान करते हैं। अब कोई 6-6 महीने में 9 दिन का पूरा उपवास कर ले, जलो उपवास कर ले कोई पूरा, तो 6 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारी बिटिया देवार्चना को हमने 5 ही दिन का करवाया, तो बाबा जी गुरु जी आज तो आप उस खाने को दे देना, अब हमसे ना रहा जाए। बोले चाहे आप अन्न तो खाने के लिए मना ही कर रखा, चाहे फल का जूस दे देना या फल दे देना, अब तो अन्न अन्नम ब्रह्मेति विजानात, अन्न में भी ब्रह्म है, प्राण है। तो अब देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। 6-6 महीने में क्या आता है? नवरात्र। अब 9 दिन कोई पूरा उपवास कर ले, जलो उपवास। क्या बताया देवार्थ ने? जलो उपवास फॉर यू एंड फलो उपवास फॉर मी। क्या बोला? 6-6 महीने में जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास इतना कर ले तो जीवन में कोई रोग नहीं होगा। और फिर होली, फिर दीपावली, जितनी भी हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं, और हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा, योग करते रहे, यज्ञ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और भगवान के नाते जीवन जीते रहे। जो भगवान का हो गया वो सबका हो जाता है। क्या बोला? जो भगवान का हो गया सबका हो जाता है, और जो भोगों का हो गया वो किसी का नहीं रह जाता। क्या बोला? जो भोगों का हो गया किसी का नहीं रहता। भोगों का हो गया, अब वो भोजन को थोड़ी खाता है, भोजन उसको खाता है, नमक उसको खाता है, मीठा उसको खाता है, उसको बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर हो जाता है, उसको आर्थराइटिस, अस्थमा हो जाता है। बात है तो छोटी छोटी। इसलिए जब हम योग से दूर हुए, भोगों से जुड़े, अपने स्वरूप से दूर हुए, अपने मूल धर्म, अपने प्रधान धर्म से, अपने आत्म धर्म, अपने भागवत धर्म, अपने भगवती धर्म से दूर हुए, तो जीवन में रोग विकार आ गए। तो आज हमें संकल्प लेना है, हमें अपने आत्म धर्म को कभी विस्मृत नहीं होने देना, अपने सनातन धर्म को, अपने भागवत धर्म को, अपने प्रधान धर्म को हम यदि विस्मृत नहीं होने देंगे तो फिर कोई समस्या नहीं। फिर जब हम अपने आप को गुरु भगवान को समर्पित कर देते हैं, ये प्रक्रिया है कम से कम 5-10 साल की, कितने दिन की? कुछ तो लोग एक ही दिन समर्पण करते हैं और शाम तक ही उनको सारा फल चाहिए। पैदा होने में भी जब 9 महीने लग जाते हैं, बच्चे से जवान होने में जब 9-10 साल लग जाते हैं, 9-10 साल में तो आजकल बेटे बेटे जवान थोड़ा तो होता है, तो जब हम निरंतरता के साथ अपने योग धर्म बोलो, स्वधर्म बोलो, आत्म धर्म बोलो, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म बोलो, अपने प्रधान धर्म में अपने भागवत धर्म में भगवत जी बोलो, भगवान बोलो, भगवान को माँ बोलो, पिता बोलो। अब किसी बालक से कोई पूछे माँ अच्छी है कि पिता, तो जो बावले बालक वो कहेंगे तो मम्मी बहुत अच्छी है, कोई कहेंगे पिताजी पापा बहुत अच्छे हैं, और जो समझदार बालक होंगे क्या कहेंगे, माता पिता दोनों ही बहुत अच्छे। अब किसी ना समझ बालक से पूछो आचार्य जी बहुत अच्छे हैं या स्वामी जी, तो कहेंगे स्वामी जी, कोई कहेगा आचार्य जी,
अरे भाई क्यों भेद करते हैं, अभेद दृष्टि है। भाव में भेद नहीं होना चाहिए, व्यवहार में तो भेद होता है, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, पिता के साथ पिता जैसा व्यवहार, बेटी के साथ बेटी। अब हमको हमको ऐसे अब लगभग लगभग 99% गुणातीत भावातीत स्थिति में जीने लग गए, इसलिए हमको तो फर्क नहीं पड़ता। हम बेटियों की चरण पूजा करें, माताओं की चरण पूजा करें। हमने जब आंदोलन का वक्त चल रहा था तब पश्चिम बंगाल में सब जिनको अछूत बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, हे बोलते हैं, सब माताओं का पाद प्रक्षालन किया, चरण पूजा की। ये सन्यासी होकर क्या ऐसा क्यों करें, हम भक्ति रखते हैं माँ, और हम कन्याओं से लेकर के माँ के जितने भी नाम रूप स्वरूप हैं सब में एक ही माँ और भगवती माँ आद्या शक्ति के रूप को देखते हैं। मैं सारी अपनी जिनका हम अभी 2 दिन से पूजन कर रहे हैं, बेटियों से लेकर के अपने सन्यासी बहनों से लेकर के, हम ऐसे ही पूज्य साध्वी नहीं बोलते, पूज्य सन्यासी नहीं बोलते, पूज्य भाव हम सबके प्रति रखते। ये तो उपलक्षण से संबोधन ऐसे चल पड़े कि हम सन्यासी हैं तो बोले सन्यासी, सन्यासियों को पूज्य कहेगा तो चलेगा, बाकी तो सबके लिए सन्यासी पूज्य, गुरु पूज्य। गौण प्रधान बात ये कि हम सबके प्रति ही पूज्य भाव रखें, ये अलग बात है। व्यवहार में हम जैसे हम श्रद्धामयी पूज्य माता जी बोले तो सब सुन लेंगे और किसी के दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आएगी, और जैसे हम पूज्य पिताजी बोले ये पिता कहां से आ गया स्वामी जी का, तब संसार के में इतनी ग्रंथियां हैं कि वो पिता तो एक ही मानते। अब जैसे हमारे कुछ बावले मजहबी लोग हैं, भगवान के सिवा हमारा माथा कहीं नहीं झुकेगा, वो माथा फोड़ी करते रहते हैं, फोड़ी करते, भगवान के अलावा हमारा सिर कहीं नहीं झुकेगा। बोले कन्या को ऐसे प्रणाम कर सकते हैं, ये तो दासी है, गुलाम है, ये तो हमारी, इनमें तो आत्मा ही नहीं है, इनको कैसे प्रणाम कर। ये हमारी सनातन संस्कृति है जो हमें कन्या से लेकर के माँ के हर रूप की पूजा करना सिखाती है। ये कितने बावले हैं, हमारा सिर तो एक जिसको भी अब क्या बोले, हमारा आजकल बोलना भी बड़ा, हम थोड़ा संभल संभल के बोलने लगते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा कि हमारा माथा उसके अलावा कहीं नहीं झुकता, हमारा माथा तो हर जगह झुकता है। हमारे गुरु महर्षि दयानंद जो इतने तार्किक थे उन्होंने भी कहा सारा जगत भगवान की ही प्रत्यक्ष रचना है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, भगवान का ही प्रत्यक्ष। क्या बोला, सारा जगत भगवान का ही प्रत्यक्ष है। वेद भी ऐसे ही कहता है, उपनिषद भी ऐसा ही कहते हैं, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो सारा जगत जब भगवान का ही रूप है तो हम सब रूपों में, सर्व रूपों में, हमने तो एक नया मंत्र घट दिया, या देवी सर्वभूतेषु मति रूपेण भक्ति रूपेण श्रद्धा रूपेण शांति रूपेण बुद्धि रूपेण, सब रूप बोल दिए, संस्कृति रूपेण प्रकृति रूपेण, तो हमने एक नया जोड़ दिया इसमें, या देवी सर्वभूतेषु सर्व रूपेण शांति, सब रूपों में तो ही, या देवी सर्वभूतेषु सर्व रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हम सब बेटियों को जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी माँ भगवती का ही स्वरूप मान करके इनको देखें, ये दृष्टि हमारी दृढ़ हो जाए। ऐसे ही सब
माँ बहन बेटियों में किसी भी पुरुष में वो परम पुरुष ही नजर आए। सहस्र शीरसाह पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सहस भूमि सर्वतो स्पित्वा अत्यतिष्ठ दशा। तो अब हमने अपना कह करके सेम टू यू आपका भी कह दिया। ऐसे ही सब पुरुषों में परम पुरुष दिखे, सब माँ बहन बेटियों में भगवती का दर्शन हो, ये है हमारी वैदिक सनातन दृष्टि, यह हमारा वैदिक सनातन धर्म। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भगवती अम्बा भवानी दुर्गा की जय। और देव प्रिया माता की जय। सब माताओं की जय। हम एक बात है, सबको माँ कहने से एक और फायदा होता है, फिर माता ही ध्यान होता है। जैसे मैं सब बेटियों को माँ कह करके मानता हूँ तो सब बेटियाँ मेरा बहुत ध्यान रखती है। और जो है अच्छा कहा, तो बेटियों की पूजा करने से पुण्य तो मिलता ही है, बेटियों की पूजा करने से जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि सौभाग्य तो मिलता ही है। बेटियों की नाना रूपों में पूजा करने से अपने जीवन में सब प्रकार की दिव्यता आती है। और सब प्रकार से जैसे पूज्य स्वामी श्री कहते थे, उनकी बात को कहते अपनी बात को भी करते हैं कि भाई हमें तो माँ ने उभारा है, कन्या से लेकर के माँ के जो अनेक रूप होते हैं यही व्यक्ति को उभार सकते हैं। ये पारमार्थिक तत्व भी है, ये जागतिक तत्व भी, पार्थिव सत्य भी है पारमार्थिक सत्य। जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी। जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी। तुम ही हो वरणीय प्रभु जी चित्त विनोदन कारी। जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी। विनाशक जगतपति जय भक्त जन गहित शरण सजन पालक सुर कर वंदित चरण। दुख विनाशक जगतपति जय भक्त जन गहित शरण। सकल कर्म हो तुम्हें समर्पित चित्त सदा समाहित तुम में। सकल कर्म हो तुम्हें समर्पित चित्त सदा समाहित तुम में। यंत्र बनो प्रतिरूप बनो तेरा यंत्र बनो प्रतिरूप बनो तेरा। यह वर दो सुखकारी
हे जगदीश्वर हम दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर मन में हो बस मनन तेरा ही हृदय में तेरी भक्ति नयनों में नित तेरा दर्शन काया में तेरी शक्ति मन में हो बस मनन तेरा ही हृदय में तेरी भक्ति नयनों में नित तेरा दर्शन काया में तेरी शक्ति तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत बुद्धि में निश्चय तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत बुद्धि में निश्चय तेरा ही तेरा नाम रटे रसना तेरा नाम रटे रसना सर्वस तुम परवानी हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर आनंद घन विभो प्रेम सिंधु दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि हर एक क्षण में तो फिर भी न जाने क्यों ये बाबा की बेटी और बाबा की अरे रुको रुको चल 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 दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि क्या नाम है बूंदों में प्रेम तेरा माही कहाँ से हो बरसे बरसे फिर क्यों मैं वंचित हूँ तेरी कृपा वृष्टि से तुम्हें देखा ये मेरी सखी
दर्शन हो प्रभु ये दयानि दर्शन हो प्रभु जीवन तेरा कुछ भी न कुछ और ना चाहूं ये जग दर्शन दो प्रभु ये दर्शन दो प्रभु दर्शन दो प्रभु शांति 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 ही।